हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मैक्सिकन पराठा, आप इसे पिज़्ज़ा पराठा भी बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमको इसके लिए चाहिए। हम इसको दो स्टेप में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे और उसके बाद हम फिलिंग तैयार करेंगे। तो डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच के करीब नमक डाला है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। जब हम स्टफ पराठे बनाते हैं तो हम उसके लिए सॉफ्ट डो तैयार करते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है और अब इसे मैं ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। आइए इतने फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप फ्रोज़न स्वीट कॉर्न लिया है। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से फ्रोज़न लिया था मैंने और इसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है माइक्रोवेव में। तो ये इस तरीके से हो गया है। 1/4 कप मैंने यहाँ पे ग्रेटेड चीज़ लिया है, आप कोई भी चीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लिया है और 1/4 कप मैंने यहाँ पे ग्रेटेड पनीर लिया है। पनीर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस फिलिंग में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग प्याज भी ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच नमक का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर यूज़ करूँगी और 1 चम्मच धनिया पाउडर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो आइए फिलिंग बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ये स्वीट कॉर्न डाल लिया, शिमला मिर्च भी इसी में मिला लेंगे, पनीर ले लिया और चीज़ भी इसमें ही मिक्स कर लिया मैंने, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ये फिलिंग मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। आइए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। डो हमारा तैयार हो चुका है, इसको मैंने थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है और अब इस तरीके से एक बॉल लिया मैंने डो में से और सूखे आटे की डस्ट करके हम इसको इस तरीके से रोल करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाया मैंने इसमें, आप चाहे तो यहाँ पर घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम ये फिलिंग डाल देंगे। मैं 2 चम्मच के करीब फिलिंग यहाँ पर यूज़ करूँगी और इस तरीके से इसके किनारे उठाकर उनमें प्लेट्स डालते हुए हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे और फिर सूखे आटे से डस्ट करके दोबारा से हम इसको रोल करेंगे। और ये पराठा रोल हो चुका है, हमने तवा गरम करने के लिए रख दिया था और अब इस तवे पर हम इस पराठे को सेकने के लिए रख देंगे और जब तक पराठे का कलर चेंज नहीं होता तब तक हम इसको एक तरफ से सेकने देंगे। ये देखिए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है तो मैंने इसको पलट दिया है दूसरी तरफ से सेकने के लिए और इस पर अब हम ऑयल लगा देंगे दोनों साइड में और अलट पलट करके जब तक सेकेंगे जब तक इसका अच्छा गोल्डन कलर नहीं हो जाता। पराठा एकदम गोल्डन कलर का क्रिस्प सिक जाना चाहिए। ये देखिए, पराठे का कलर चेंज हो चुका है और इस तरीके से पलटते हुए इसको दोनों साइड से हम अच्छे से सेक लेंगे और पराठा सिक कर तैयार हो गया है और अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो मैक्सिकन पराठा बनकर तैयार है, आप इसको हरी चटनी या किसी अचार के साथ सर्व कीजिए। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।